मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम पी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के पी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। पी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल में धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप पी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पी नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद पी नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि पी नाम वाले कैसे होते हैं। दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रखते, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। इन्हें ज़्यादातर सच बोलना पसंद होता है और कम ही लोग पी नाम वाले ऐसे होते हैं जो ज़्यादा झूठ बोलते हैं, वरना ज़्यादातर ये लोग सच ही बोलने वाले होते हैं। झूठ बोलने वालों से नफरत करते हैं और इनके वचन प्रिय होते हैं, यानी मीठा बोलते हैं। और इनकी नज़र से जो एक बार उतर गया तो फिर लाख कोशिश के बावजूद वो इनके करीब नहीं हो सकता। फिर चाहे ये उसको माफ़ कर भी दें, फिर भी वो इनके करीब नहीं होता है। इनके अंदर हमेशा एक उथल पुथल चलती रहती है। इनके मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है, लेकिन दिखने में आपको ये एकदम शांत दिखेंगे, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। ये लोग दुखी रहकर भी दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं। घर परिवार पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है। कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं, जिससे किसी को नुकसान हो ऐसी सलाह तो ये कभी भी नहीं देंगे। प्रत्येक रिश्ते को बहुत ही सच्चाई से निभाते हैं। कोई इन्हें अपनों से अलग नहीं कर सकता। ये अपने घर परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं। ये लोग अपने कामों को खुद ही करना पसंद करते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, ईमानदार भी होते हैं और अपने ज़्यादातर कामों को खुद ही कर लेते हैं। इन्हें आसानी से क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर किसी बात को लेकर क्रोध आ गया तो रोकना मुश्किल होता है। दूसरों की मदद के कारण ये कई बार किसी समस्या में फंस जाते हैं। इसका कारण होता है कि ये जल्दबाजी करते हैं। अपनी समस्याओं से निकलने में जितनी ये शांति से काम लेते हैं, दूसरों की सहायता करने में उतनी ही जल्दबाजी दिखाते हैं। काफ़ी संतुलित और निष्पक्ष व्यवहार करने वाले होते हैं। जल्दी भावनाओं में नहीं बहते हैं। साफ सफाई इनको काफ़ी पसंद होता है। चाहे इनका ऑफिस हो चाहे घर हो, चीज़ों को व्यवस्थित करने की आदत होती है और जब तक किसी भी काम से पूरी तरह खुश ना हो, आसानी से मेहनत करना नहीं छोड़ते, यानी कि उस काम को खुद भी ये करते रहते हैं। प्रेम के मामले में सच्चे होते हैं। अपने जीवन साथी को ही सब कुछ मानते हैं। ये अपने जीवन साथी को सदा खुश देखना चाहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रेम निभाना जानते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं पी नाम वाले। चलिए मित्रों, अब राशिफल की चर्चा करते हैं। तो पी नाम वाले लोगों के राशिफल में सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। धन के मामले में अगर हम देखें तो वर्ष 2024 में अचानक लाभ और अचानक हानि का आपका योग बनेगा और आप देखेंगे कि आपकी कोई पेमेंट वगैरह रुकी हुई थी या आपने किसी को उधार दिया था, यानी व्यापार कारोबार करते हैं, पेमेंट रुकी हुई है, या आपने किसी को उधार दिया है, आपने उम्मीद छोड़ दी है कि वो नहीं मिलेगा, तो वो अचानक लाभ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान रखकर चलें कि अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो मिले जुले परिणाम धन और आय के मामले में मिलेंगे वर्ष 2024 में पी नाम वाले लोगों को, और आय आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी, लेकिन अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। इसलिए आप अपने बजट पर नियंत्रण रखकर चलें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और धन और आय के मामले में मिले जुले परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं पी नाम वाले। व्यापार कारोबार और नौकरी की बात करें तो पी नाम वाले लोगों के लिए व्यापार कारोबार और नौकरी में अगर हम देखें तो वर्ष 2024 में सामान्य परिणाम मिलेंगे। सामान्य परिणाम से ज़्यादा की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके व्यापार कारोबार और नौकरी में आप ज़्यादा मेहनत करते हुए तो नज़र आएंगे, लेकिन आपके तनाव के चलते, आपके क्रोध के चलते आपके कार्य क्षेत्र में कुछ न कुछ ऐसे वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं वर्ष 2024 में, जहां आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, तो फिर नौकरी करने
वाले लोगों को लाभ देखने को मिल सकता है, उन्हें फिर अचानक कोई ना कोई लाभ भी मिल सकता है। और अगर आपने ये संबंध अच्छे नहीं रखे तो फिर हानि भी उठानी पड़ सकती है। बाकी कुल मिलाकर नौकरी करने वाले लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा वर्ष 2024। लेकिन जो व्यापार कारोबार करते हैं वहाँ पर किसी भी विस्तार को करने से पहले आप उसके बारे में पूरी जाँच परख करें, वरना वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा, सामान्य समय की उम्मीद व्यापार कारोबार वाले कर सकते हैं पी नाम वाले लोग वर्ष 2024 में। अप्रैल तक का समय काफ़ी बेहतर समय रहेगा, वहाँ पर आप देखेंगे आपके संबंध बढ़िया रहेंगे परिवार के सदस्यों के साथ। लेकिन आपको बाड़ी पर संयम रखना होगा, आपके क्रोध और तनाव के चलते परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल खराब हो सकते हैं, इसलिए बाड़ी पर संयमित होकर बातचीत करें, ये आपके लिए जरूरी है, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल पाएंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको तालमेल तो वर्ष 2024 में बनाकर रखना ही होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें आराम देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पेट से संबंधित कोई भी स्वास्थ्य समस्या है तो वो बढ़ सकती है वर्ष 2024 में। तो अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका विशेष ध्यान रखकर चलें, अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और नियमित समय पर अपने डॉक्टर से भी मिलते रहें। स्वास्थ्य के मामले में कभी कोई कोताही ना बरतें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें। नई स्वास्थ्य समस्याएँ ज़्यादा नहीं दिख रही हैं, लेकिन पुरानी स्वास्थ्य समस्याएँ परेशान कर सकती हैं। और स्वास्थ्य के मामले में मेरी सलाह सदैव यही होती है, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा के मामले में वर्ष 2024 में सामान्य परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे शिक्षा में। जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन वगैरह देना चाहते हैं और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, तो उनके लिए अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का समय ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो शिक्षा के लिए कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए ज़्यादा मेहनत आप करें, आपको मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में सफलता देखने को मिल सकती है। और अप्रैल तक का समय भी ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मेहनत के बाद ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मई से दिसंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा है। सामान्य शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को एकाग्रता अवश्य ही बनाकर रखनी होगी, अगर आप एकाग्रता नहीं बनाकर रखेंगे तो शिक्षा में बेहतर परिणाम नहीं मिल पाएंगे। एकाग्रता बनाकर रखें, फिर शिक्षा के लिए बेहतर समय है, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी होगी, सफलता तभी आपको शिक्षा के मामले में अच्छी मिल पाएगी। बात कर लेते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय रहने वाला है वर्ष 2024 में, रोमांस बहुत रहेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ घूमने फिरने भी जाएंगे और वैवाहिक संबंधों में आपके संबंध ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, गलतफहमियाँ बहुत जल्दी जल्दी हो सकती हैं और आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखकर चलना होगा अपने जीवन साथी का। अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका वर्ष 2024 में आप ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहा है और उसे वाद विवाद को आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है मई 2024 से और दिसंबर 2024 तक का जो समय है वहां पर आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, यानी वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं, जो भी मतभेद हैं वो समाप्त हो सकते हैं। और मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में अगर कोई आपकी यात्रा होती है आपके जीवन साथी के साथ, तो वहाँ पर अगर आप प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे छोटे मोटे वाद विवाद खुद बखुद समाप्त हो जाएंगे और वहाँ आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन कोई भी ज़्यादा वाद विवाद अगर है वैवाहिक संबंधों में तो मई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में सुलझाने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, परिणाम सकारात्मक देखने को मिल सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो मई 2024 से दिसंबर 2024 तक का समय उनके लिए भी बेहतर है, वहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, वहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं हैं। चलिए प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पी नाम वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में पूरे वर्ष विशेष इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने साथी के साथ किसी भी तरह का क्रोध ना करें, गलतफहमियां ना करें और बहस बिल्कुल ना करें। अगर वर्ष 2024 में आप अपने साथी के साथ बहस करते हैं तो आप देखेंगे छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाएंगी, बहस ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो बहस ज़्यादा भी हो सकती है, संबंध ज़्यादा भी खराब हो सकते हैं। इस बात का आप प्रेम संबंधों में ध्यान रखकर चलें कि किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें। और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना होगा, अगर आप अपने प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं तो आपके साथी को अवश्य ही पता चल सकता है कि आप प्रेम संबंधों में ईमानदार नहीं हैं और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है, अगर आप ईमानदार नहीं रहेंगे तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम वर्ष 2024 में नहीं मिलने वाले हैं।
तो कुछ इस तरह के परिणाम पी नाम वाले लोगों को वर्ष 2024 में मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा, और शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल चीनी का दान। ये दोनों उपाय पूरे वर्ष आप करते रहें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये पी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।